2018 का इलेक्शन न्याय पाकिस्तान का इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। और इस इलेक्शन में हमने पूरी तैयारी से जाना है। तैयारी से तो पोलिंग एजेंट्स की तो तैयारी करवा ही रहे हैं हम सारे। हम इंशाल्लाह कैंपेन जबरदस्त करेंगे। हमारे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन अब बड़ी सोच समझ के होगी। पहले हमारे इसलिए ये समझना, मैंने अहमियत आपको इसलिए कहा था, आपको सबने यहाँ आने आना, मैं खास आपसे बात करनी थी। मैं देखे असल में मुझे आपके मुस्तकबिल की जानकारी है। आप सब नौजवान है, इमरान खान को तो कोई कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं अल्लाह का उसकी उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है, उसने जितना मेरे पे कर्म किया है। लेकिन ये आप सबके लिए, ये मुल्क में याद रखना, अल्लाह ने वो चीजें दी हैं आपको अंदाजा नहीं है अल्लाह ने कितनी मेहनत बख्शी है इस मुल्क। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिससे सारी दुनिया देखी है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसको बरतानिया के लोगों ने अपनाया था। यानी मुझे, मैं चाहता तो वहां सारी जिंदगी रह सकता था, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं सारी दुनिया फिर के इस नतीजे पे आया कि इससे ज्यादा खुशकिस्मत मुल्क है ही कोई नहीं। खूबसूरती में, वसाइल में, जरखेज जमीन में, मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ों में, टूरिज्म के लिए हर तरह, ये अल्लाह का एक बड़ा खास उसका एक जमीन का टुकड़ा जो आपके आपको मिला हुआ है। मसला ये है कि अगर आप वसाइल से भरे हुए मुल्क के ऊपर भी नवाज शरीफ जैसे लोग बैठा दें तो उसका दिवालिया निकाल देते हैं। वो खुद अमीर हो जाते हैं, कौम गरीब हो जाती है। कौम को मकरूज कर दिया, कर्जे पे कर्जे चढ़ा दिए। हर पाकिस्तानी के ऊपर आज तकरीबन 1,30,000 कर्जा चढ़ा हर पाकिस्तानी पर। जब ये आए थे 9 साल पहले तो हर पाकिस्तानी, ये जो 9 साल पहले ये जरदारी और नवाज शरीफ, तो हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 कर्जा था। आज 35,000 से 1,30,000 कर्जा सिर्फ 9 सालों में चढ़ा। और वो चढ़ना ही था क्योंकि यहां कर्जे लेते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट में से आधा पैसा बाहर ले जाते हैं, मुल्क को मकरूज कर जाते हैं, और फिर आवाम उस कर्जे की कीमत अदा करती है महंगाई के जरिए। हर चीज पर टैक्स लगता था। यहां की बिजली और गैस सारे बड़े शरीर में सबसे महंगी बिजली गैस है क्योंकि टैक्स लगे हुए हैं आपके ऊपर। टैक्स लग के कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, गुर्बत बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आज जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमारी फैक्ट्रीज है वो बंद हो रही हैं क्योंकि हमारी इतनी महंगी बिजली और गैस हो गई है कि मुकाबला नहीं कर सकते हिंदुस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का। तो वो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नीचे जा रही है, वो ऊपर जा रहे हैं। जब वो फैक्ट्रियां बंद होती है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई सरमायाकारी नहीं करता। अगर सरमायाकारी करेगा तो आपको नौकरियां मिलेंगी, तो सरमायाकार आएगा कैसे जब इतनी महंगी, महंगाई इतनी ज्यादा होगी, वो मुकाबला नहीं कर सकता बाहर की इंडस्ट्री के साथ। लिहाजा हम इस गुर्बत के अंदर फंसे हुए हैं इनकी वजह से। और ये इसलिए है, ये हर हर बार इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने का क्योंकि इन्होंने माल बनाना होता है। क्यों क्यों कोई मुझे बताया, सेनेट के इलेक्शन पे, सेनेट के इलेक्शन पे मुझे किसी ने एक सेनेटर के लिए 40 करोड़ रुपए का, उसने मुझे कहा कि मैं आपको 40 करोड़ रुपए देता हूं। वो कौन है जो आदमी 40 करोड़ रुपया एक सेनेट के टिकट के लिए खर्च कर रहा है? वो आम की खिदमत करने के लिए तो नहीं आ रहा। वो कोई हातमताई तो नहीं कि आपके ऊपर 40 करोड़ रुपया देकर टिकट लेगा और फिर आपकी खिदमत करेगा। वो पैसा आपसे बनाएगा और वो ही इलेक्शन में करोड़ रुपया इलेक्शन में लगाते हैं। क्या लोगों की खिदमत करने के लिए तो नहीं आ रहे? वो अगर उनको इतना शौक होता वो पैसे लगा देते, कोई यतीम खाना खोल देता, कोई स्कूल चला देता, कोई अस्पताल बना देता। लेकिन वो इलेक्शन पे लगाता है क्योंकि उसके आंखें पे पैसा बनाना होता है। मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी तकलीफ करके यहां आए और इंशाल्लाह मैं तुम सबको यहां बुलाऊंगा, एक हम जश्न बनाएंगे, आप सबको मैं खाना दूंगा अपनी तरफ से। ओके